नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी हम तवे पे बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, हमें अवन की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको रेसिपी बताऊं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ हमें किन किन सामान की ज़रूरत है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, चलिए देख लेते हैं। मैंने एक बड़ा प्याज बारीक काट लिया है, एक शिमला मिर्च बारीक काट ली है, एक गाजर मैंने बारीक काट लिया है, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, मिक्स हर्ब्स लिया है, आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, एक चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, एक टमाटर मैंने बारीक काट लिया है, ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है यानी मोज़रेला चीज़, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये पिज़्ज़ा बेस है, ये मैंने बनाया है घर पे ही, आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है, सबसे पहले हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, अच्छे से लगा लेंगे चारों तरफ। देखिए मैंने सॉस अच्छी तरह से लगा लिया है, अब इस पे हम चीज़ लगा लेंगे, आपको जितना चीज़ चाहिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। अब इस पे हम बारीक कटा हुआ प्याज लगाएंगे चारों तरफ। गाजर लगाएंगे अब, शिमला मिर्च लगाएंगे, आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जो आपको अच्छी लगती हो, जो सीजन में अवेलेबल हो। टमाटर लगा लेंगे, अब इस पे हम थोड़ा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, और इस पे हम मिक्स हर्ब्स भी डाल देंगे अपने और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। अब चीज़ लगा लेंगे हम ऊपर से, अच्छे से लगा लेंगे चीज़ को। अब इसको हम बेक करेंगे। देखिए मैंने एक नॉनस्टिक तवा बिठाया है गैस पे और इसको मैंने गर्म भी कर लिया है, अब इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम अपना इस पे पिज़्ज़ा रखेंगे, बहुत सावधानी से रखिएगा, ये देखिए। और गैस हमें धीमा करना है, हमें धीमी आंच पे इसको 10 मिनट के लिए पकाना है ढक के, इसके बाद फिर हम चेक करेंगे जब तक हमारा पिज़्ज़ा का चीज़ जो है वो गल जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए 10 मिनट हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चीज़ भी अच्छे से गल गया है, तो गैस बंद कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने अपने पिज़्ज़ा को सर्व कर लिया है, एकदम बाज़ार जैसा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, इसे आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
थैंक यू।